तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरोपेनम इंजेक्शन के बारे में। सो गाइस, ये जानेंगे कि मेरोपेनम इंजेक्शन के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज पेशेंट को किस प्रकार से दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और इस इंजेक्शन को पेशेंट में पुश करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सो गाइस, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरोपेनम इंजेक्शन को बहुत सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं, जैसे कि कुछ मेरोजन नाम से बनाती हैं, कुछ मेरो नाम से बनाती हैं, यानी जो ब्रांड नेम होता है वो कुछ भी हो सकता है, बट उसमें जो साल्ट मिला होता है वो मेरोपेनम होता है। बात करें दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज हमें सेकेंडरी ऑप्शन में करना होता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर यूँ कहें कि जब पेशेंट को क्रोनिक लेवल के डिजीज़ होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज जो है एब्डोमिनल इन्फेक्शन के दौरान भी किया जाता है। जब किसी पेशेंट को एब्डोमेन इन्फेक्शन के कारण उसको पेट दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसका यूज हम यूटीआई इन्फेक्शंस में भी कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को पेशाब मार्ग में किसी प्रकार की तकलीफ़ है और प्रॉपरली ठीक नहीं हो पा रहा है, तो जो है सेकेंडरी ऑप्शन में हम जो है मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को ब्रेन फीवर है, दिमागी बुखार है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ है और वो फर्स्ट कंडीशन में ट्रीटमेंट करने के दौरान ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्रोनिक लेवल पे इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में भी यह इंजेक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। स्किन डिसीजेज में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, डर्माटाइटिस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज हम सर्जिकल इन्फेक्शन के दौरान भी कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन हुआ होता है और घाव प्रॉपरली ठीक नहीं हो पा रहा है, तो भी हम मेरोपेनम इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी मेरोपेनम इंजेक्शन काफ़ी अच्छा वर्क कर पाता है। बात करें दोस्तों हम मेरोपेनम इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि पेशेंट में हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, स्किन पर रैसेस आ जाना, डायरिया का हो जाना, पेशेंट में एनीमिया की शिकायत होने लगना, चक्कर आना या फिर वज़न कम होने लगना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों बहुत सारी कंपनियां इसे सिर्फ आईवी के रूप में ही बनाती हैं, बट कुछ कंपनियां इसे आईएम और आईवी दोनों के रूप में बनाती हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि मेरोपेनम इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले एक बार पेशेंट को स्किन पर टेस्ट ज़रूर कर लें। यदि टेस्ट करने के दौरान पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी होती है या फिर पेशेंट को हेडेक वगैरह महसूस होता है, तो इस इंजेक्शन का यूज़ ना करें। यदि स्किन में टेस्ट करने के बाद पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ही आप इस इंजेक्शन को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और दोस्तों, इस इंजेक्शन को जब भी हम पेशेंट में पुश करते हैं, तो काफ़ी स्लोली तरीके से इस इंजेक्शन को पेशेंट में पुश करना होता है, क्योंकि यदि हम फास्ट पुश करते हैं तो पेशेंट को हेडेक या फिर वॉमिटिंग, उल्टी जैसा भी हो सकता है। बात करें दोस्तों हम मेरोपेनम इंजेक्शन के डोज के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, मेरोपेनम इंजेक्शन की डोज की बात की जाए, तो इसका डोज जो है वो 40 mg/kg पर 8 आवर में दिया जाता है। सो गाइस, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।